हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे। ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट फॉर्म टैग के साथ भी यूज़ होता है, इनपुट टैग के साथ भी यूज़ होता है और बहुत सारे। यहाँ टेक्स्ट की बात करते हैं, वहाँ हम लोग ऑटो कंप्लीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ऑटो कंप्लीट में दो वैल्यू होते हैं, पहला आता है ऑन और दूसरा आता है ऑफ। ऑन द ब्राउजर विल ऑटोमेटिकली कंप्लीट वैल्यूज बेस्ड ऑन वैल्यूज दैट द यूज़र हैज़ इंटर्ड बिफोर। ऑटो कंप्लीट का मतलब क्या होता है? ऑटो कंप्लीट का मतलब ये होता है कि आपने एक फॉर्म आप फिलअप, इसी का आपने देखा होगा, आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा मेरे ख्याल से। जब आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं, आपने पूरा फॉर्म फिलअप कर दिया और किसी वजह से आपका, आपने सबमिट बटन पर भी क्लिक कर दिया और मे बी आपका इंटरनेट सही से काम नहीं किया और आपको एरर मिल गया कि आपका सर्वर डाउन है या फिर कुछ भी। बट आपने फॉर्म फिलअप किया, सबमिट बटन पर क्लिक भी किया। सो उसमें क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें एक बार आप फिल कर चुके हैं, अब उसको आप दोबारा फिल करने की आप कर सकते हैं। इसमें आप डबल क्लिक करते हैं और नीचे आ जाता है उसका नाम, जैसे कि नेम में आपने लिखा हो राहुल, तो डबल क्लिक उस फील्ड पर, टेक्स्ट फील्ड पर करते हैं, उसके नीचे नाम आ जाता है, फिर सिर्फ आप उस नाम को सिलेक्ट कर देते हैं तो वो नाम फिल हो जाता है। वो होता है ऑटो कम्प्लीट, यानी कि ब्राउज़र आपको, आपको जो डेटा है उसको, अपने जो इंटर किया था डेटा उसको रखता है और ऑटो कम्प्लीट करने में आपको हेल्प करता है, फास्ट आप उसको फिल कर लेते हैं। उसको ऑन करना पड़ता है, आपके आपको अपने फॉर्म में ऑन करना पड़ेगा कि ऐसा पॉसिबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए फॉर्म में। नाउ ऑफ की बात करते हैं, तो यूज़र नीड टू राइट ऑल वैल्यूज ईच टाइम दे फिल द फॉर्म। अब हर एक बार जब भी यूज़र फॉर्म को फिल करे तो उसको बार बार हर चीज़ लिखना पड़ेगा जब इसको ऑफ वैल्यू देते हैं तो। जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों ही सेम वर्क करता है, चाहे आप इसको फॉर्म टैग के साथ यूज़ करें या फिर इसको आप चाहे इनपुट टैग के साथ यूज़ करें। फॉर्म टैग के साथ यूज़ करते हैं, हम लोग जानते हैं कि फॉर्म टैग के नीचे इनपुट टैग लिखा जाता है, यानी कि फॉर्म टैग के अंदर में इनपुट टैग लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि फॉर्म टैग में अगर आपने ऑटो कम्प्लीट ऑन किया हुआ है तो ये कंडीशन इन सभी इनपुट टैग पर लागू होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास ये फॉर्म है, ठीक है। वैसे कुछ 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 ऐसे ब्राउजर्स हैं जो विदाउट ऑटो कंप्लीट के भी काम करते हैं, जैसे कि ये हमने अभी ऑटो कंप्लीट दिया नहीं है बट यहाँ हमारे पास ये अवेलेबल है, ठीक है। हम लोग देखते हैं फिर भी, ठीक है, इसको मतलब ये वर्क कैसे करता है बस इतना समझ लीजिए। जैसे कि हम लोग यहाँ अगर ऑटो कंप्लीट कर दें, ऑटो कंप्लीट इक्वल ऑन, इसको सेव कर दें, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा जो है अब ऑटो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम लोग रन करते हैं, इसको हम लोग किसी और ब्राउजर में रन करते हैं, मे बी रन करते हैं फायरफॉक्स में। यहाँ देखते हैं कि कभी कभी ब्राउजर इसको सपोर्ट भी नहीं करता, इसको हम लोग चेक कर लेते। इसमें अभी मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, हमारे पास अभी कुछ भी आ नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं नेम लिखता हूँ राहुल, नहीं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस ऑटो कम्प्लीट को हटाता हूँ। ऑटो कम्प्लीट को मैंने हटा दिया, मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ आप वैल्यू दे दीजिए, बिकॉज जो मोजिला फायरफॉक्स से वो कुछ और ही इसको बता रहा है। इसको सबमिट हम लोग वैल्यू दे देते हैं, इसको हम लोग वैल्यू दे देते हैं रीसेट। नो गुड। इसको रन करते हैं, पहले हम लोग मोजिला में यानी कि फायरफॉक्स में इसको रन करते हैं। अभी ऑटो कंप्लीट नहीं है, ठीक है, अभी इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। इसको हम लोग नेम देते हैं राहुल और पासवर्ड कुछ भी हम लोग देते हैं। इसमें हम लोग सबमिट में क्लिक करते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, इसको हम लोग कट करते हैं, इसको हम लोग फिर से रन करते हैं और देखते हैं। लोगों ने फायरफॉक्स रन किया था, अब यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए कि ये राहुल ऑटोमेटिक आ जा रहा है, यानी कि ये ब्राउज़र, आजकल के जो ब्राउज़र्स हैं वो ऑटो कंप्लीट को ऑटोमेटिक सो सपोर्ट करते हैं। बट अगर इन केस ये सपोर्ट नहीं करता तो आपको यहाँ ऑटो कंप्लीट जो है वो लिखना पड़ता है। एक्चुअली यहाँ लिख देना बेहतर रहता है अगर आपको ऑटो कम्प्लीट लिखना है तो, बिकॉज हो सकता है कि आपका ब्राउज़र यहाँ सपोर्ट करा, कुछ 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 लोगों के ब्राउज़र सपोर्ट ना करते हो, इसलिए बेहतर होता है कि आप यहाँ लिख दें, ठीक है। ऑटो कम्प्लीट जब आप इसको लिखते हैं और आप इसको जब रन करते हैं, किसी भी चीज़ में रन कीजिए, फायरफॉक्स में ही रन करते हैं, इसको जब रन करते हैं तो यहाँ आपको ये मिल जाता है, ठीक है। अगर आप ऑटो कम्प्लीट नहीं लिखेंगे तो ये आपका आएगा नहीं, बट जैसे कि हमने देखा
कि आजकल के जो लेटेस्ट ब्राउज़र हैं वो ऑटो कम्प्लीट ऑलरेडी देते हैं हमें। ओके, इन केस आपके ब्राउज़र में अगर ऑटोमेटिक नहीं आता है, तो ऑटो कम्प्लीट हम यहाँ देकर, ऑटोमेटिक यहाँ लिख कर हम इसको ऑटो कम्प्लीट बना सकते हैं। इसको बार बार लिखने जा सकते हैं, बस यहाँ क्लिक कीजिए और आपका हाजिर है। पासवर्ड नहीं होता है, पासवर्ड के लिए आपको बार बार इसको टाइप करना ही पड़ेगा। ओके, सो ये है ऑटो कम्प्लीट। अब यहाँ अगर मैं, पता नहीं ये वर्क करेगा नहीं करेगा या नहीं, देख लेते हैं। ऑटो कम्प्लीट अगर हम लोग यहाँ ऑफ कर देते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है। इसको रन करते हैं, देखिए अभी ये नहीं आ रहा है बिकॉज हम लोगों ने ऑटो कम्प्लीट को ऑफ कर दिया है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो कम्प्लीट ऑन रहता है, ठीक है, इसीलिए आपका जो डेटा है वो हमेशा ऑटो कम्प्लीट होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको क्या किया, इस एक पर्टिकुलर इनपुट को, चूँकि हम लोग जानते हैं कि ऑटो कम्प्लीट जो है वह इनपुट टैग में भी यूज़ होता है और फॉर्म टैग में भी यूज़ होता है। ठीक है, सो इस इनपुट टैग में सिर्फ इस नेम में, अगर मैं इसको एक और लिखूँ यहाँ, ठीक है, इसको एक और बार यहाँ लिखते हैं, ये हम लोग लिख देते हैं सिटी। ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा और बड़ा करते हैं सिटी, और यहाँ नेम की जगह हम लोग लिख देते हैं सिटी। ओके, अभी हम लोग यहाँ से ऑटो कम्प्लीट को हटा देते हैं, ये ऑफ नहीं है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ऑन है। बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स हम लोगों ने यहाँ ऑटो कम्प्लीट, अगर इसको आप यहाँ नहीं भी लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही माना जाता है। ठीक है, सो इसको हम लोगों ने सेव किया। अभी हम लोग क्या करने वाले, इसको रन करते हैं फायरफॉक्स में। अभी हम लोग यहाँ लिखते हैं नेम, जिसकी मैं यहाँ लिख रहा हूँ राहुल, यहाँ सिटी में लिख रहा हूँ दिल्ली, पासवर्ड मैंने कुछ भी लिखा, इसमें सबमिट में क्लिक कर रहा हूँ। सबमिट में क्लिक किया, अभी कुछ भी नहीं हुआ। इसको क्लोज़ करते हैं, इसको भी क्लोज़ करते हैं। अभी इसको फिर से रन करते हैं। ओके, नेम में मैंने ऑटो कम्प्लीट ऑफ रखा हुआ है, जिसमें आपको ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आपको ये फिर से टाइप करना ही पड़ेगा, लेकिन सिटी में मैंने इसको ऑन रखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये आपको डेली यहाँ मिल जाएगा, और पासवर्ड में तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, सो इस तरीके से आप ऑटो कम्प्लीट का यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन रहता है फॉर्म टैग में भी और इनपुट टैग में भी। ठीक है, सो इसका हम लोग यूज़ जनरली करते हैं ऑफ करने के लिए। और एक चीज़ का याद रखिएगा कि हो सकता है कि आप यहाँ ऑटो कम्प्लीट आपका ऑन रहे, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहे, या फिर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट के भरोसे नहीं रहना चाहिए हमें। हम जब भी अगर चाहते हैं कि हमारा फॉर्म ऑटो कम्प्लीट हो, तो हमें यहाँ ऑटो कम्प्लीट लिख देना चाहिए। ओके, आप यहाँ ऑटो कम्प्लीट ऑन लिख दिया कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये मत सोचिए कि आपका ये कोड है ऑटो कम्प्लीट, ये बाय डिफ़ॉल्ट है तो हमें नहीं लिखना, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आप यहाँ इसको अगर लिखते हैं तभी आपका सपोर्ट करता है, अदरवाइज़ कुछ ब्राउज़र ऐसे होते हैं जो विदाउट लिखे बाय डिफ़ॉल्ट उसको नहीं लेते हैं। ओके, सो आप यहाँ लिखते हैं ऑटो कम्प्लीट ऑन, इसका मतलब ये पूरे यहाँ जो सब कुछ है, जो भी टैग है, जो भी इनपुट टैग है, सभी में ये ऑटो कम्प्लीट ऑन है, बट एक पर्टिकुलर इनपुट टैग में मैंने ऑटो कम्प्लीट ऑफ कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इस इनपुट टैग में, इस फील्ड में, इस टेक्स्ट फील्ड में, नेम नाम के टेक्स्ट फील्ड में ऑटो कम्प्लीट ऑफ है। इसमें आपको ये बार बार आपको नेम लिखना पड़ेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ ऑटो कम्प्लीट ऑन है, फिर भी हो सकता है कि आपका ब्राउज़र इसको सपोर्ट ना करे। ओके, आपको ऑटो कम्प्लीट का ऑप्शन ना मिले, ये ब्राउज़र पर डिपेंड करता है। ओके, सो इस तरीके से आप ऑटो कम्प्लीट का यूज़ कर सकते हैं फॉर्म टैग में और इनपुट टैग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।